कि आज जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के तहत ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी को और हमारी किसी भी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय की बहन बेटियां हैं उनको जो है कि जो अधिकार मिला हुआ है उस अधिकार को ये ख़त्म करना चाहते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो मातृ संगठन आरएसएस है उसका गठन विजयादशमी 1925 को जब हुआ तो उस समय आरएसएस के लोगों ने यह संकल्प लिया कि हम 100 वर्ष के अंदर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी जो है आरएसएस के इशारे पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की जगह स्त्री शूद्रों न ध्येताम की व्यवस्था जिस मनुस्मृति में है उस विधान को लागू करके बड़ व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं। गुरु गोलवलकर की दो किताबें बंच ऑफ थाट्स वी आर अवर नेशनहुड डिफाइंड में ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के और महिलाओं के विरोध में जो नीतियाँ हैं। इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ के समाजवादी कार्यालय और हमारे साथ मौजूद हैं इस समय राम लोटन निशा जी। हम इनसे जानते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनंत हेगड़े की जो बयान वायरल हो रही है कि हम 2024 का लोकसभा के चुनाव जीत जाते हैं 400 के पार कर देते हैं तो संविधान बदलने की काम करेंगे, इसको काका कैसे देखते हैं आप? देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो मातृ संगठन आरएसएस है उसका गठन विजयादशमी 1925 को जब हुआ तो उस समय आरएसएस के लोगों ने यह संकल्प लिया कि हम 100 वर्ष के अंदर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब है कि आज जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के तहत ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी को और हमारी किसी भी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय की बहन बेटियाँ हैं उनको जो है कि जो अधिकार मिला हुआ है उस अधिकार को ये ख़त्म करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है आरएसएस के इशारे पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की जगह स्त्री शूद्रों न ध्येताम की व्यवस्था जिस मनुस्मृति में है उस विधान को लागू करके बड़ व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं। गुरु गोलवलकर की दो किताबें बंच ऑफ थाट्स वी आर अवर नेशनहुड डिफाइंड में ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के और महिलाओं के विरोध में जो नीतियाँ हैं उन नीतियों को लागू करने के काम में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जुट गई है और हर स्तर पर ओबीसी एससी एसटी का जो संविधान के द्वारा संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4), 16(4)(a) के तहत जो है केंद्रीय आरक्षण नियमावली और उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली हो चाहे अन्य राज्यों की जो आरक्षण नियमावली के तहत ओबीसी एससी एसटी को आरक्षण कोटा दिया गया है खुलेआम जो है कि उसकी डकैती करने का काम कर रहे हैं। अनंत हेगड़े ने जो बयान दिया है वह आरएसएस की विचारधारा है और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के रिमोट कंट्रोल से संचालित तो होती है। आप देखे होंगे कि 28 मई को जो है कि सेंट्रल विस्टा जो नया संसद भवन है उसका उद्घाटन हुआ, देश की प्रथम नागरिक और संसद की संरक्षिका द्रौपदी मुर्मू जी को आमंत्रित नहीं किया गया और वहाँ पर जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ होता है अशोक स्तंभ की जगह जो है राजदंड का प्रतीक सेंगोल स्थापित कर दिए और वह तिथि 28 मई को इन्होंने चुना। उस 28 मई को जो है माफी वीर जिनको ये दामोदर सावरकर कहते हैं जो सेलुलर जेल में बंद थे जो 6 बार अंग्रेजों से लिखित में माफीनामा लिख करके माफ़ी मांगने का काम किया था और जब भारत के आईसीएस अधिकारी को 40 रुपया मासिक वेतन मिलता था तो उस माफी वीर को जो है 60 रुपया अंग्रेज जो है कि पेंशन देने का काम करते थे क्योंकि देश की आज़ादी के लिए जो आंदोलन चल रहा था तो आरएसएस के लोग जो है अंग्रेजों की मुखबिरी करके हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का भेद बताने का और उनको पकड़वाने में अंग्रेजों की मदद करने का काम कर रहे थे। तो यह नरेंद्र मोदी को जो है कि पिछड़ा घोषित करके आरएसएस के लोगों ने जो आगे किया है तो यह केवल ओबीसी एससी एसटी को शिकार बनाने के लिए जो है एक चारा के तौर पर जैसे कि हम लोग निषाद बिरादरी के हैं मछली का शिकार करना होता है तो बंसी और कटिया में हम लोग केचुआ चपड़ी और छोटी छोटी मछलियां होती हैं चलवा और सिधरी को आगे करके जो है हम लोग बड़ी से बड़ी मछली का शिकार कर लेते हैं। ये देखते हैं ना भाजपा में जितने ओबीसी के नेता हैं चाहे बाहर से सहयोगी उनके हों ओम प्रकाश एंड सन्स हों चाहे संजय निषाद एंड सन्स हों चाहे हस्बैंड एंड वाइफ वाली पार्टी जो अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल का हो चाहे अंदर में चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह हो चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हो चाहे भूपेंद्र यादव हो चाहे गिरीश चंद्र यादव हो चाहे सुभाष जदुवंश हो चाहे जो है डॉक्टर सुधा यादव हो चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो राकेश सचान हो ये जो नेता हैं यह भारतीय जनता पार्टी के बंसी और कटिया के चारा हैं और केवल इनको मुखौटा के रूप में आगे करके जो है ओबीसी एससी एसटी को गुमराह करके इनका वोट लेने का काम करते हैं। और मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री बनाया गया है मोहन यादव को मैं तो खुलेआम कहता हूँ एक नेता भारतीय जनता पार्टी का दलाली करने का काम करता है और वह
माननीय अखिलेश यादव जी ने मुखौटा और मोहरा कह दिया था, तो उन पर जो है कि पूरी होर्डिंग बोर्डिंग लगा करके कि अखिलेश यादव जी यादव बिरादरी से माफ़ी मांगने का काम करें। अरे भैया अखिलेश यादव जी तो मुखौटा कहते, मैं तो कहता हूँ कि महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह को मारने के लिए जिस तरह शिखंडी को आगे किया गया था, यादव समाज जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का, सामंतों का मुँह तोड़ जवाब देने का, लाठी डंडा से उनका सामना करने का काम किया, और वो जो अति पिछड़ी जातियाँ हैं, दलित हैं, वंचित हैं, अकलियत समाज के लोग हैं, उनको संरक्षण देने का, उनके सुरक्षा का काम करने का यादव समाज ने किया। उस यादव समाज को टारगेट में लेकर के जो है मोहन यादव को जो है कि उत्तर प्रदेश में शिखंडी के तौर पर जो है कि आगे करने का काम किए, और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में बदलाव करने के लिए दो तिहाई का बहुमत जो है संसद में होना चाहिए। ये जो अंदर खाने ये खिचड़ी पका रहे हैं, यह उसी को जो है कि अनंत हेगड़े ने जो है कि खुलासा करने का काम किया है, और यह कोई पहला बयान नहीं है, इस तरह का बयान आरएसएस के कई नेताओं ने दे दिया है। लेकिन यह जनता जो हमारे छात्र नौजवान हैं, जो हमारे किसान हैं, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान और लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, यही जनता जो है 2024 में भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी करने का, धूल चटाने का, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का काम करेंगे। अगर इनको इतना विश्वास है राम मंदिर के पर जन समर्थन का, अपने काम का, अरे भाई ये भारतीय जनता पार्टी वालों को और विशेषकर देश के झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न अपने नाम पर विश्वास है, न अपने काम पर विश्वास है, न श्री राम पर विश्वास है। अगर इन पर विश्वास होता तो बताओ, यही तो कहते थे बिहार में जाकर के कि नीतीश कुमार के लिए सदैव के लिए दरवाज़ा बंद हो गया, तो भाई थूक के छाटने क्यों गए, नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने का काम क्यों किए। यही मंगरुआ जो कहता था आए दिन कि हम जो है कि अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को गुजरात नहीं भेज दिया तो मैं अपने असली माँ बाप का की औलाद नहीं हूँ, और ये योगी आदित्यनाथ को उस स्थान पर भेजूँगा जहाँ पर कि कटोरा दे करके, जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, और उस मठ में सारंगी बजाने के लिए भेजूँगा, तो वही मंगरुआ को जो है कि आप देख लीजिए कि अपने पाले में मिला करके जो है मंत्री बनाने का, और उसके बेटा को जो है कि घोसी से जो है कि भाजपा का उम्मीदवार बनाने का काम किया है, और ये संजय निषाद एंड संस की जो लूट टीम है, कंपनी है, और ये सारे लोग जो है ये भारतीय जनता पार्टी के बंसी और कटिया के जो है कि ये चारा है, केचुआ है, चपड़ी है, और इस देश का जो नौजवान है, छात्र है, संविधान के मुद्दे पर, लोकतंत्र के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाएंगे और 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी एन केन प्रकारेण जो है कि 2024 में पुनर्वापसी चाहते हैं। आप देख लीजिए कि चुनाव आयुक्त से ये गड़बड़ी कराना चाहते थे 2024 के चुनाव में, और चुनाव आयुक्त गोयल का जमीर जाग गया और उन्होंने इस्तीफा दे करके भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो है अंदर खाने जो है 2024 के चुनाव में गड़बड़ी करके, ईवीएम मशीनों में हेराफेरी करके जो है कि चुनाव जीतने की साजिश कर रहे थे, उसका खुलासा जो है कि गोयल जी ने करने का काम किया। इलेक्ट्रोनल बांड का हिसाब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा, और बताइए कि एसबीआई का प्रबंधक और चेयरमैन ये कह रहे हैं कि हम 30 जून को हिसाब देंगे, 30 तारीख तक तो लोकसभा का चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो ये पूरी तरह से एसबीआई के जो बड़े अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी हैं, वह नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जो है दबाव में आ करके अपने जमीर को बेच चुके हैं, और इनका ईमान धर्म बिल्कुल गिर गया है। 11 अप्रैल तक इनको इलेक्ट्रोनल बांड की रिपोर्ट देना था, लेकिन ये लंबा समय मांग रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 तारीख तक मुझे हर हाल में हिसाब चाहिए, नहीं तो हम अवमानना की नोटिस जारी करके हम अंदर करने का काम करेंगे। अरुण गोयल जी के इस्तीफा को आप कैसे देखते हैं? वही अरुण गोयल जी की तो बात कर रहा हूँ ना, चुनाव आयुक्त थे, और ये ईवीएम की मशीनों में हेरा फेरी करने का जो है कि प्रोसेसिंग कराना चाहते थे, और अरुण गोयल जी का जमीर जाग गया क्योंकि उनका भारत के बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में, इस लोकतंत्र में विश्वास है, इसलिए वह भारतीय जनता पार्टी और एसएस की गुलामी करने से बेहतर वह इस्तीफा देना उचित समझे, और ऐसे अधिकारियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूं कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पर्दे की आड़ में जो षड्यंत्र और साजिशें रची जा रही हैं उसका जो है कि पर्दाफाश करने का काम किया है। और जब से चंद्रचूड़ जी
सीजीआई बने हैं, तब से जनता का विश्वास न्यायालय पर जो है कि बढ़ा है, और चंद्रचूड़ जैसे न्यायाधीशों की ज़रूरत है लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरह से जो है लोकतंत्र की जगह राजतंत्र स्थापित करके और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4), 16(4)(a) के तहत ओबीसी एससी एसटी को जो प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला है उसको जो है कि पूरी तरह से यह खत्म करने के काम में जुटे हुए हैं। लेकिन इस देश की जनता जो है मनुस्मृति के विधान को लागू करने से रोकने के लिए 2024 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पीडीएफ फार्मूला को मजबूत करते हुए साइकिल को दौड़ाएंगे और 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। और ये कांग्रेस को बार बार डूबता हुआ जहाज कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, तमाम तरह की टिप्पणियाँ कहते हैं, देश को बेचने का आरोप लगाते हैं। अरे कांग्रेस की देन है कि आज हम लोग लोगों को जो है कि भरपेट भोजन, पहनने को कपड़ा मिल जा रहा, इज्जत की ज़िंदगी जी रहे हैं। नहीं तो सत्ता का हस्तांतरण जब 15 अगस्त 1947 को हुआ तो यह भारत भूखों नंगों का देश था, न पहनने को कपड़ा, न खाने को भरपेट भोजन। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बहुदेशी नदी घाटी परियोजना के माध्यम से, पावर प्लांट के माध्यम से और रेलवे कारखाना स्थापित करके गेल सेल भेल रेल ONGC NTPC HL आदि बना करके, पोर्ट ट्रस्ट और एयरपोर्ट बना करके, कोल माइंस बना करके, नहरों का जाल बिछा करके जो है कि देश को तरक्की के मार्ग पर आगे ले जाने का काम करें। ये तो बड़े बड़े दावे करते थे, झूठ बोलते हैं जा करके। हर साल हमारे यहाँ एक IIT IIM बन रहा है, लेकिन एक IIM बना करके नहीं दिखाया। या कांग्रेस पार्टी ने जहाँ पर देश को छोड़ा था उससे बहुत ये पीछे करने का काम किया है, और सारे सरकारी संस्थानों का निजीकरण करके नौकरी और रोजगार के अवसर को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, किसानों और नौजवानों का भविष्य अंधकार में डालने का काम कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति के माध्यम से जो है पिछड़ों, दलितों, वंचितों का जो है कि शिक्षा का दरवाज़ा जो है कि बंद करने का काम करते हैं। अगर यह वन नेशन और वन इलेक्शन की बात करते हैं, मैं कहता हूं कि अरे बेईमानों, अगर तुम लोकतंत्र में विश्वास रखते हो, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में विश्वास रखते हो, तो वन नेशन वन एजुकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए और वन एजुकेशन वन सिलेबस की व्यवस्था होनी चाहिए। ये नहीं कि गाँव के प्राइमरी के स्कूल में दूसरा सिलेबस, वहीं बेकार बनाने वाला, और जो है कि CBSE बोर्ड में, ISC बोर्ड में और तमाम जो कन्वेंटेड स्कूल संस्थान है उसमें अलग शिक्षा देने का काम करें। एक तरफ अंग्रेजों को विदेशी बताते हैं, अंग्रेजी को विदेशी भाषा बताते हैं, लेकिन अपने बच्चे को कॉन्वेंट के स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाने का काम करते हैं, और गांव गिराव के बच्चों को जो है कि हिंदी मीडियम से पढ़ाकर उनका भविष्य जो है कि अंधकार में डालने का काम करते हैं। तो यह भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 बरस में देश को कंगाली और बर्बादी की कगार पर पहुंचाया है, सरकारी संस्थानों का निजीकरण करके नौकरी और रोजगार के अवसर को ख़त्म किया है, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में डालने का काम किया है। या बच्चे जो है, कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो 2024 में यही नौजवान जो है कि भारतीय जनता पार्टी का खटिया खड़ी करने का, धूल चटाने का, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का काम करेंगे।